Hello students, welcome to our channel IGNU India. Hope you all are good. So dear student, आज हम बात करेंगे IGNU की तरफ से आए एक important notification के बारे में. So सालों से IGNU में एक rule चलता आ रहा था, उस rule में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. वो कौन सा rule है जो चलता आ रहा है और क्या बदलाव किया गया है जानेंगे हम इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी IGNU से जुड़े नोटिफिकेशन टाइम पर मिले. और आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें सबका रिप्लाई आपको मिलेगा. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो. सो जैसा कि आप लोग इस टाइम पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है. ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि IGNU की तरफ से आया हुआ है और 6 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कल आया था. कल मैं वीडियो नहीं बना पाई किसी कारणवश. और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 154 मीटिंग हुई है जो कि 27 फरवरी 2023 को हुई, जिसमें कि ये फैसला लिया गया है. तो फैसला क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करती हूँ. IGNU में आप पेपर देते हैं, जैसे कि अभी जून के पेपर आने वाले हैं, या फिर आप मान लीजिए जो आपने दिसंबर में पेपर दिए, या कोई भी दिसंबर सेशन का हो या किसी भी सेशन का आपने पेपर दिया, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपना पेपर रीचेक करा सकते हैं और अपनी आंसर स्क्रिप्ट मंगवा सकते हैं. इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मतलब आप रीएवेल्यूशन करा सकते हैं अपनी कॉपियों का, दोबारा से रीचेक करवा सकते हैं, प्लस आप आंसर शीट मंगवा सकते हैं. ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट मंगवा सकते हैं. तो ये चीज़ था, लेकिन इसमें क्या था कि आपका रिज़ल्ट मानो आज 1 तारीख को निकला, तो अब आपको ये था टाइम पीरियड, ये दिया गया था कि 30 दिन के अंदर आप रीएवेल्यूशन करवाएंगे, ठीक है, अपना रीचेक कराएंगे, और 45 डेज़ के अंदर, यानी जैसे मान लो 1 है तो 30 तारीख तक, 1 तारीख को आपका रिज़ल्ट निकला तो अगली 1 तक आप आराम से मंगवा सकते हैं. तो 30 दिन तो आप रीचेक करा सकते हैं, ठीक है. लेकिन फोटोकॉपी के लिए आपको अगर आज 1 तारीख को आपका रिज़ल्ट निकला तो 15 तारीख तक आप कर सकते हैं, मतलब 45 दिन का था उसमें. तो आपको रीएवेल्यूशन रीचेक कराना है, 30 दिन के अंदर कराना था, फोटोकॉपी 45 डेज़ के अंदर. बट अब क्या चेंज कर दिया गया है, चेंज ये है कि अब आपको जो रीचेक करा सकते हैं वो 40 डेज़ के अंदर कराएंगे. आपको रीचेक का बहुत टाइम है और आंसर शीट आपको देखनी है तो 30 डेज़ के अंदर देखनी होगी, 30 डेज़ में आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है. तो IGNU की तरफ से ये रूल था कि आप रीचेकिंग करा सकते हैं और आंसर स्क्रिप्ट मंगवा सकते हैं, ठीक है. तो अब इस आंसर शीट में और आंसर शीट मंगाने में और रीचेकिंग कराने में जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें चेंज किया गया है. और ये चेंज जब से IGNU स्टार्ट हुआ है तब से ये सेम रूल था, अब IGNU में इतने दिनों बाद ये चेंज आया हुआ है. सो ये बहुत बड़ा चेंज है. अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये इस तरीके से क्यों किया गया. कुछ बच्चों की शिकायत थी कि हमें सिर्फ कॉपी देखनी होती है जल्दी, पहले हम कॉपी देखेंगे, कॉपी का टाइम कम दिया गया है और उसका मतलब कॉपी का टाइम तो इतना देर में दिया गया है और इतनी देर में आती है कॉपी, मतलब और आंसर स्क्रिप्ट जो होती है चेकिंग रीचेकिंग होती है वो जल्दी हो जाती है. तो बच्चों को यह था कि कॉपी जल्दी आ जाए और रीचेकिंग कॉपी देख लेंगे, हमें यकीन हो जाएगा और हम रीचेक नहीं कराएंगे फिर. तो ये बच्चों के अंदर था कि हमें कॉपी पहले चाहिए, रीचेक हम बाद में कराएंगे. तो अब बच्चों को टाइम मिल गया है प्रॉपर, वो अब कॉपी जल्दी मंगा सकते हैं और रीचेकिंग के लिए आराम से टाइम है, आराम से वो चीज़ें कर सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें थी. सो अब आप दोबारा से मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ. हम वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि अब अगर आपको रीचेक करानी है अपनी कॉपी तो आप 40 दिन के अंदर फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, पोर्टल पर जाके रीएवेल्यूशन के, और अपने रिज़ल्ट निकलने के 40 दिन के अंदर से. आज आपका निकला तो अब आप आराम से 10 तारीख तक, 1 तारीख को अगर आपका रिज़ल्ट निकला है तो नेक्स्ट मंथ आप 10 तारीख तक आराम से भर सकते हैं. दूसरा,
आपको अनसब्सक्रिप्ट के लिए 30 दिन ही मिले हैं, पहले 45 दिन थे, अब 30 दिन के अंदर आपकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, आपको 30 दिन के अंदर मतलब कॉपी नहीं आ जाएगी, मतलब अब आपको 30 दिन के अंदर ही अपनी कॉपी के लिए फॉर्म फिल करना है। होप आप लोग को समझ में आ गया हो। और इसकी जो PDF की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देख लीजिएगा। अगर रिवॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख लीजिएगा। आई बटन पे भी कोशिश करूँगी, लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसे सर्कुलेट कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो रिवॉल्यूशन करवाते हैं या करवाना चाहते हैं। और ये जो रूल है, अब जो जून में आप पेपर देने वाले हैं, जो अब आप ये जून में पेपर देंगे, ये जून से रूल अप्लाई हो जाएगा। अब जो बच्चे जून में बैठने वाले हैं उनके लिए रूल अप्लाई हो गया है। तो जिन्होंने भी जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है उनके लिए तो ये अभी से स्टार्ट हो गया। और जो पहले के स्टूडेंट हैं, अगर वो जून में पेपर देंगे तो उनके में भी ये सेम रूल चालू हो गया। सो होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई हो, शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आप बेहिचक आप हमें मेल कर सकते हैं, DM कर सकते हैं और YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, और हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।